वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आखिरकार जो है एडमिनिस्ट्रेशन और फॉरेस्ट सर्विसेज के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। जैसा कि न्यूज़ में पहले से ही था कि जीरो ईयर से बचने के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है अपने नोटिफिकेशन जारी करेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और इसके जस्ट बाद आपको फॉरेस्ट सर्विसेज की वीडियो देखने को मिलेगी, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट और क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो आपको देखने को मिलेगी। तो बात कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन जो सर्विसेज है, यानी राज्य सेवा जो स्टेट सर्विसेज है उसके बारे में। तो ऑनलाइन आवेदन कब से आप कर सकते हैं? तो 9 फरवरी तक अंतिम तिथि है, तब से आप कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा को विशेष रूप से ध्यान रखिए, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करिए। तो 21 मई जो है यहाँ पर डेट तय की गई है कि आप 21/5/2023 को कर पाएँ, ठीक है। वहीं 14 मई जो है 2023 तक आप अपने एडमिट कार्ड जारी कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। प्रथम प्रश्न सामान्य अध्ययन कराएगा, जो कि 2 घंटे कराएगा, 10 बजे से 12 बजे तक। और दूसरा जो रहेगा आपका 2:15 से 4:15 तक रहेगा, जो कि सी सेट कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है और देखने की बात, तो आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन 10 जनवरी से आप कर सकते हैं 9 फरवरी तक, ठीक है। और वहीं आयु की गणना है 1 जनवरी 2023 से की जाएगी, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता क्या क्या है, तो हर पद के लिए क्या क्या दिया गया है तो उसको देख लीजिए आप। स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी आपकी ग्रेजुएशन कम से कम होना चाहिए, और अंतिम वर्ष में जो है वो भी इसके लिए पात्र हैं। और रोजगार की बात कर लेते हैं, तो जो रोजगार पंजीयन है उसके लिए क्या है, तो रोजगार के अनुपात अन्य प्रदेश के जो भी अभ्यर्थी हैं उनको तो रोजगार का जो पंजीयन है वो नहीं करना, लेकिन मध्य प्रदेश के जो जो कैंडिडेट हैं जैसे मूल निवासियों को जीवित रोजगार आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा। किंतु ऐसे अभ्यर्थियों को जो है इंटरव्यू के समय तक क्या करना होगा, जीवित रोजगार प्रमाण पत्र अनिवार्यता दिखाना होगा। वहीं मध्य प्रदेश शासन के जो सेवा में हैं, निगम मंडल में हैं, तो क्या है उनको अनापत्ति प्रमाण पत्र, या नहीं है तो क्या है उनको जो अनापत्ति प्रमाण पत्र की जो एप्लीकेशन है फॉरवर्डिंग वो लगेगी, और उन्हें रोजगार पंजीयन से छूट रहेगी, ठीक है। तो 2 लोगों को यहाँ पर छूट है, जो अन्य स्टेट के हैं और जो गवर्नमेंट सर्विसेज में, और जो नहीं हैं उनके लिए आवश्यक है कि आप जो है इंटरव्यू के टाइम तक उसको बनवा दीजिए, ठीक। तो ये एक चीज़ क्लियर है। आगे की ओर बढ़ते हैं, तो क्या क्या पद हैं इसमें देख लीजिए आप। राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिला अध्यक्ष यानी डिप्टी कलेक्टर के हैं, DSP के हैं इसमें पद, जेल विभाग के अंतर्गत पद हैं जैसे कि जिला अधीक्षक, ठीक है। वित्त विभाग के हैं, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत पोस्ट हैं, ठीक है। ये सभी 5400 ग्रेड में हैं की जो पोस्ट हैं, ठीक है। द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी होते हैं, और श्रम विभाग के अंतर्गत श्रम पदाधिकारी हैं जैसे मुख्य निरीक्षक हैं, मोटर परिवहन कर्मकार, ठीक है। वहीं महिला बाल विकास में, जनसंपर्क विभाग में सहायक संचालक, वाणिज्य कर विभाग में जिला पंजीयक, जिला आबकारी अधिकारी, ये रही पोस्ट, ठीक है। अब तृतीय श्रेणी एग्जीक्यूटिव पोस्ट की बात कर लेते हैं, जिसमें नायब तहसीलदार हैं, वाणिज्य कर निरीक्षक हैं, उपपंजीयक हैं, आबकारी हैं, ठीक है। सहकारिता वित्त विभाग के अंतर्गत क्या है, ठीक है। और वहीं मध्य प्रदेश लेखा सेवा में हैं, और एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसमें परिवहन उप निरीक्षक, उसकी पोस्ट निकाली गई। ये सभी तृतीय श्रेणी की पोस्ट हैं जो कि कार्यपालिक हैं, जिनका ग्रेड पे 3600 से लेकर 2800 तक है। तो इसी क्रम में आपको जो है प्रेफरेंस भी रखनी पड़ेगी, और प्रेफरेंस कब पूछी जाती है, आपके इंटरव्यू में, ठीक है। ठीक है, परीक्षा कब कब मतलब आवेदन कैसे करना है वो आपको पता है, MPPSC की साइट से ऑनलाइन करना है। 10 जनवरी से आपके जो है फॉर्म फिलअप की जाएंगे, विज्ञापन आज जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा सभी केंद्रों पर यानी 52 जिलों में आपके जिला मुख्यालय पर आयोजित की जाए। तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। जल्द से जल्द डेट याद रखिए दोस्तों। वहीं इसके बाद एक वीडियो है स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज की, उसमें कितनी पोस्ट हैं वो मायने रखेगी आपके लिए, वो भी ज़रूर देखिए। और फॉर्म फिलअप करते समय दोनों ज़रूर भरिए, आपको यदि दोनों पेपर देना है तो, ठीक है। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पिछले चैनल का ये बैकअप चैनल। तो आप सभी का शुक्रिया, चैनल से जुड़े रहिए, धन्यवाद। और उसी प्रकार का सपोर्ट मुझे इस चैनल पर भी प्रोवाइड करिए, धन्यवाद।